5, 4, 3, 2, 1. दुनिया में कुल मिला के 6,500 भाषाएं बोली जाती है। इतनी भाषाएं होने की वजह से ये इम्पॉसिबल है कि हम हर किसी से एक ही भाषा में बात कर पाए। बट एक भाषा ऐसी है, ये दुनिया के हर कोने में लगभग एक समान बोली जाती है और हम सब नेचुरली इसे कुछ हद तक समझ भी सकते हैं। इस भाषा को हम कहते हैं दी बॉडी लैंग्वेज। शायद आपको पता होगा कि किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है तो वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये दो इंसानों के बीच कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा होता है, जहां हमारे बोलने की आवाज 38% और शब्द जो आप यूज करते हैं सिर्फ 7% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर हमारे बारे में दूसरों को क्या कह रहा है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बट शुरू करने से पहले आप अपने बॉडी लैंग्वेज से हमें थोड़ा प्यार दिखा के सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आप इन्हें मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट। तो आईज को अक्सर विंडोज टू सोल कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बारे में कितना कुछ बताते हैं। हम अपनी आंखें दूसरों से कैसे मिलाते हैं जनरली बताता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। इसके साथ साथ ये दूसरों के प्रति इंटरेस्ट और ईमानदारी भी बताता है। एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आई कॉन्टैक्ट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और स्पेशली जॉब इंटरव्यूज में अगर आप ठीक से आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करते हो तो इंटरव्यूअर्स उसे नेगेटिव मार्क कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सही और पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन के लिए हमें प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आप इसे ज्यादा ना कर ले वरना वो नेचुरल नहीं लगेगा। एक हेल्दी आई कॉन्टैक्ट होता है लगभग 7 से 10 सेकेंड और उसके बाद छोटे ब्रेक्स लेना नेचुरल लगता है। नंबर 2, पैरों का पोस्चर। तो हमारे पैरों का मेन काम होता है हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, बट इसके अलावा ये आपके पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। मर्दों के लिए अक्सर पैर फैलाना एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का संकेत है। इसका मतलब ये अपनी लाइफ में खुद अपने चीजों का कंट्रोल रखना पसंद करते हैं। और जो लोग अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर इस तरह क्रॉस करके बैठते हैं तो वो ये बताता है कि वो एक क्लोज नेचर के हैं। और इसके ऑपोजिट अगर आप एक ऐसे पोस्चर में बैठते हैं जहां एक पैर दूसरे पैर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, वो बताता है कि आप काफी कॉन्फिडेंट और आर्ग्यूमेंटेटिव हो। नंबर 3, हाथों का पोस्चर। तो हम सब ये बचपन से जानते हैं कि अगर किसी के हाथ इस तरह क्रॉस्ड है तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आप शायद प्रॉब्लम में हो। बट यही हाथ अगर सर के पीछे क्रॉस रहे इस तरह तो वो एक फियरलेस काम और रिलैक्स्ड मूड बताता है। और कुछ जेस्टर्स हाथ के पॉजिटिव होते हैं, जैसे इस तरह अपने पाम्स को आपस में रब करना, ये एक तरह का एंटिसिपेशन बताता है कि आप किसी अच्छी चीज का इंतजार कर रहे हो। नंबर 4, नकली हंसी। जब एक सच्ची हंसी की बात आती है तो आपका मुंह झूठ जरूर बोल सकता है बट आपकी आंखें नहीं। सच्ची हंसी आंखों तक पहुंचती है और उसके आसपास के स्किन को इस तरह रिंकल करके क्रोस फीट क्रिएट करती है। बहुत से लोग अक्सर स्माइल करते हैं छुपाने के लिए जो वो असल में फील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको स्माइल करे तो आप उनके आंखों के बाजू में रिंकल्स देख सकते हैं, और अगर वो रिंकल्स नहीं है तो मे बी वो स्माइल एक टाइप का फॉर्मेलिटी है या वो कुछ छुपा रहे हैं। नंबर 5, रेज्ड आईब्रोज। हमारे आईब्रोज कुछ फीलिंग्स पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे 3 इमोशंस है जो मोस्टली आपके आईब्रोज को खड़ा कर सकता है, और ये 3 इमोशंस है सरप्राइज होना, किसी बात की टेंशन या फिर कोई डर। आप खुद ये चेक कर सकते हो अपने किसी भी दोस्त के साथ एक कैजुअल सा कॉन्वर्सेशन करके। आईब्रोज रेज करके बात करना काफी मुश्किल और एबनॉर्मल लगेगा आपको, तो अगर आप जो भी बात कर रहे हो और वो सामने वाले को चौंका घबरा या टेंस फील नहीं करा रहा है और फिर भी उनके आईब्रोज ऊपर है तो कुछ बात जरूर है। नंबर 6, उंगलियां पटकना। तो ये बहुत ही कॉमन बॉडी लैंग्वेज साइन है जो बताता है कि आप या तो इम्पेशेंट हो या तो फ्रस्ट्रेटेड। इसके अलावा किसी का इंतजार करते वक्त भी ये करना कॉमन है। इस चीज का ध्यान हमें यूजुअली नहीं रहता है और हम इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बॉडी को नहीं पता कि वो क्या करे और इस वजह से वो रेस्टलेस हो जाता है, जिसका रिजल्ट हमें इस तरह देखने मिलता है। बट कभी कभार हम ये जानते हुए भी करते हैं किसी चीज पे नाराजगी व्यक्त करने के लिए। नंबर 7, प्रॉपर पोस्चर। क्या आपने किसी भी इंसान को एक रूम में आते देखा है और आप इमीडिएटली समझ गए कि वो इंचार्ज है? ये इफेक्ट होता है बॉडी लैंग्वेज की वजह से, और इसके मेन रीजंस होते हैं एक इरेक्ट पोस्चर और एक खुला और एक्सपेंसिव बॉडी लैंग्वेज। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली आप जितनी स्पेस लेते हो उससे आपके पावर और डोमिनेंस को इक्वेट करता है। स्ट्रेट खड़े रहना और अपने कंधों को पीछे रखना एक पावर पोजीशन है क्योंकि ये दिखाता है कि आप ज्यादा स्पेस ले रहे हो, और इसके ऑपोजिट झुक के रहना दिखाता है कि आप कम स्पेस ले रहे हो, जो आपको कमजोर बताता है।
नंबर 8, बॉडी लैंग्वेज कॉपीइंग। क्या आपने कभी किसी से बात करते वक्त ये नोटिस किया है कि आप जो करते हो वो भी ठीक ऐसे ही करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने लेग्स को क्रॉस या अनक्रॉस करोगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे, या शायद अगर आप अपने सर को उनके तरफ बढ़ाएंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज मिररिंग, और ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है जो हम अनजाने में करते हैं। ऐसा हम मोस्टली तब करते हैं जब हमारा सामने वाले से एक पॉजिटिव बॉन्ड बन जाता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है जो ये बताता है कि आपका कॉन्वर्सेशन अच्छे से जा रहा है और सामने बैठा इंसान आपकी बातों से सहमत है। ये चीज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई सौदा कर रहे हो तो, क्योंकि इससे पता चल सकता है कि सामने वाला आपके ऑफर से कितना खुश है। नंबर 9, जबड़ों को जकड़ना। जब कोई आपसे बात करने में या आपके आइडियाज से कंफर्टेबल नहीं होता है तो हम कई बार ये स्ट्रेस देख सकते हैं उनके जबड़ों को इस तरह जकड़ने में, गर्दन को स्ट्रेच करने में, या अपने आईब्रोज को इस तरह कंप्रेस करने में। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेस्ड बॉडी लैंग्वेज सिग्नल है जो आपको बता सकता है कि शायद ये बातचीत उस जगह जा रही है जो उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा है, या शायद वो ऐसे ही किसी अनकंफर्टेबल थॉट के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में आप जो वो कह रहे हैं और जो उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा है उसमें मिसमैच देख सकते हैं, और उस हिसाब से ही आप भी अपना कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 10, पॉइंटिंग योर बॉडी। जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपका चेस्ट एक बड़े एरो की तरह है, जहां वो पॉइंट कर रहा है वो बताता है कि आपकी दिलचस्पी कहाँ है। अगर एक मीटिंग में किसी का भी चेस्ट बाहरी तरफ पॉइंट हो रहा है तो वो इंसान या तो मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है या किसी चीज से एग्री नहीं करता है। कभी अगर आप फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी में हो तो उनका सर जो बात कर रहा है उसकी तरफ टर्न होगा, बट उनका शरीर यूजुअली रहेगा उनकी तरफ जिन्हें वो सुनना चाहते हैं। तो ये है बॉडी लैंग्वेज साइंस जिनसे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का पता चल सकता है। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि हम इंसान एक कॉम्प्लिकेटेड जीव है और कई बार इन चीजों में एक्सेप्शन भी आ सकते हैं, तो इसीलिए हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो क्या कह रहे हैं दोनों पे ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से हम लोगों को बेहतर समझ पाएंगे और अगर किसी को मदद की जरूरत है तो उनकी मदद भी कर पाएंगे बिना उनके हमसे पूछे। तो आप किसी से बात करते वक्त इनमें से कितने बॉडी लैंग्वेज साइंस का ध्यान रखते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ नीचे कमेंट्स में। मैं पर्सनली कुल मिला के इनमें से 6 साइंस का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि ये हमें कितना कुछ बताते हैं जो हमें उनके बिना बताए कभी पता ही ना चल सके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।